सिग्निफिकेंट है जिसको कहा जा रहा है कि 73 साल में पहला दौरा किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब में, ये कितनी कितनी अहमियत से आप इसको देख रही हैं? टाइमिंग इंतहाई अहम है और जो दोस्तों कैसे हो आप लोग, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा 1 मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने जी के UAE और सऊदी अरेबिया के दौरे के बारे में। आपको पता है पद पे रहते हुए उनका ये पहला विजिट होगा, किसी भी इंडियन आर्मी चीफ का ये पहला विजिट होगा UAE और सऊदी अरेबिया का, तो इसी बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है और अपनी गलतियों को भी इस वीडियो में आपको स्वीकारते हुए देखेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में। चीफ ऑफ द जनरल मिलिट्री है, उनका तो पहला दौरा है लेकिन मेरे ख्याल है 26 और 27 नवंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी UAE तशरीफ ले गए थे। कई डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में हो रही हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया और न्यू दिल्ली के दरमियान जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेंथन हो रही है और उसकी एक सिक्योरिटी डायमेंशन इमर्ज हो रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी टाइज मजीद स्ट्रेंथन होंगे। उससे ज्यादा अहम बात यह है कि सऊदी अरब का एक 2030 का इकोनॉमिक विजन है जिसमें वो ये समझते हैं कि जो उनकी 80% ऑयल पर डिपेंडेंस है उसको कम करके दीगर चीज़ों पर करना चाहिए और उसके लिए उन्हें इंडिया की मार्केट्स जो हैं वो बहुत अहम लगती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजिक बात है वो और भी ज़्यादा अहम है। स्ट्रैटेजिक बात ये है कि पूरी अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो ड्राइव हो रही है ईरान की के खौफ से और टर्की के चेंजिंग कम्प्लेक्शन से, और ये वो दो चीज़ें हैं जो सऊदी अरब को पुश कर रही हैं। UAE को पुश किया है कन्वर्जेंस विद इज़राइल। अभी जो मनामा डायलॉग हुआ उसमें सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़े तौर पे एक बात पहली दफ़ा कह दी, उन्होंने कहा कि हाँ रिकग्निशन ऑफ इज़राइल जो है वो ऑफ द टेबल नहीं है, हो सकता है अगर पैलेस्टीनियंस को उनका स्टेट राइट मिल जाए। और ये मुझे और आपको पता है कि UAE की रिकग्निशन सऊदी अरब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी जी। पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो हमें थोड़ा पीछे जाके देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि थोड़ी सी ताल्लुकात में तलखी हुई थी, उसके बाद जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे लेकिन वो उस तरह का डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका ताल्लुकात में जो समझा जा रहा था कि होगा। और फिर पाकिस्तान की जो एक टर्की और मलेशिया की तरफ एक स्टेप पाकिस्तान ने लिया था उसको भी नहीं बहुत अच्छी तरह से देखा गया था सऊदी अरब में। बीच में ये बात भी आई कि शायद पाकिस्तान अंडर प्रेशर है कि इज़राइल को रिकग्नाइज करे, लेकिन जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है रियाद और ईरान के बीच में। और सऊदी अरब की जो पॉलिसी है, अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिसी है वो ड्राइव हो रही है ईरान के बरखिलाफ चलने से। इसीलिए इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुए, इसीलिए उन्होंने बाइडन को कहा है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं लेकिन हमें ऑन बोर्ड लेके ईरान से बात कीजिएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने ट्रंप से ताल्लुकात को बहुत अहम समझते हैं और जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे। तो वो ये समझते हैं कि जो बाइडन हुकूमत आएगी और जो इंगेज होगी ईरान के साथ ये वजह बनती है कि वो कुर्बत हासिल करें एंटी ईरान फोर्सेस से, इज़राइल से, और फिर उसी सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इंडिया भी शामिल हो जाता है। सही है। अच्छा एक और इसमें जो अहम सवाल पैदा होता है डॉक्टर मोहित साहब वो ये कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है अरब ममालिक के लिए? देखिए पहली बात तो ये कि जो अभी इंडिया के मिलिट्री चीफ जनरल नरवाने जो हैं नरवाने मुकंद जहा रहे हैं वहाँ पे, ये कोई इतनी अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट होनी नहीं चाहिए। ये और बात है कि मौजूदा हालात में लग रही है, इसलिए कि 2014 में मुख्तलिफ मेमोरेंडम साइन हुए थे डिफेंस कोऑपरेशन के सऊदी अरब, उस बात को अब 6 बरस गुजर गए हैं सऊदी अरब हिंदुस्तान के दरमियान, और सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 17% ऑयल रिसोर्सेज पूरे करता है हिंदुस्तान की और तकरीबन 32% LPG रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और गुज़िश्ता 6-7 बरस से मसलसल सऊदी अरब का और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको नाम भी दिया गया है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, उसमें इजाफा जो है हो रहा है, एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। फिर सऊदी अरब जो है वो अमरीका के एक अमरीका का बहुत करीब इतिहादी है,
और हिंदुस्तान का भी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, और अब इसराइल के साथ भी चूंकि ये अंडर प्रेशर है जीसीसी कंट्रीज फॉर वेरियस रीजंस, ईरान की वजह से कुछ अपने मोरार्किकल मॉडल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहां पर भी एक रिलेशनशिप हम डेवलप होते देख रहे हैं जिसमें खासी कुर्बत है। तो कोई अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट ये नहीं है। अगर ये अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट हमें लग रही है पाकिस्तानी मीडिया में, उसकी वजह यह है कि हमारा जो फोकस है, हमारे सारे मीडिया का, जो उर्दू मीडिया हमारा है, हमारे इंग्लिश मीडिया का भी कोई ग्लोबल फोकस नहीं है, लेकिन हमारा जो उर्दू मीडिया उसका सारा फोकस जो है वो अंदरूनी है, और अंदरूनी किसी मुलाजिम को थप्पड़ पड़े वो बहुत हमारे लिए अहम है, बस का एक्सीडेंट हो गया वो हमारे लिए बड़ा अहम है, कहीं कोई अस्पताल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो हमारे लिए बड़ा अहम। तो हमारा बड़ा एक इनवर्ड किस्म का फोकस है, 24 घंटे में से 23 घंटे और 30 मिनट जो है वो हम उस इनवर्ड फोकस के ऊपर लगाते हैं, और हमारी कोई रीजनल और ग्लोबल और अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे मीडिया की और हमारे कॉमन, चूंकि मीडिया की नहीं है इसलिए कॉमन आदमी की भी नहीं है, वो डेवलप नहीं होती, इसलिए हर वो डेवलपमेंट जो डेवलप हो रही होती है वो हमें नजर ही नहीं आती। अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, जो मैं पहला बंदा हूं पाकिस्तान में जो मसलसल कह रहा है, और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 1993 के बाद हमें जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी एडजस्टमेंट चाहिए थी, जब इसराइल को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया और ममालिक ने करना शुरू किया, हमने वो स्टेप्स उठाए नहीं, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक है कि हम अपने नेशनल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें जो फैसले करने हैं वो हम कर नहीं सकते। तो अब उसका, अब वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का आपका जो सवाल है कि हो सकता है, देखिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जीसीसी कंट्रीज और हिंदुस्तान के दरमियान में डेवलप हो रहा है, और हमने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम खड़ा किया हुआ है अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरब वगैरह के साथ प्योरली मजहबी था और उनकी हम पे कोई खास डिपेंडेंस है, हमारे ट्रुप्स उनका डिफेंड कर रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने इस किस्म की रिलायंस पास में देखी है। अब तक तो सूरत हाल ये थी कि यूएई के अंदर जितनी भी उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग है इन जीसीसी कंट्रीज में वो पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी एक्स पायलट जो ट्रेनर्स हैं। अब फ्यूचर में आप देखेंगे कि शायद यूएई के अंदर उनकी एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर इंडियंस भी उसका हिस्सा जो है वो बनने लग जाएं। तो चूंकि हमने अपने आप को कहानी और गाना ही अजीबोगरीब किस्म का सुनाया हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए फिर हमें हैरानी होती है, और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि हमें हैरानगी इसलिए होती है कि हम जो कहानी अपने आप को सुना रहे हैं मुसलसल वो कहानी डिफेक्टिव है। ठीक है, अच्छा एक और पहलू भी है जनरल लोधी साहब, मुझे सर ये बताइए कि एक तो अभी डॉक्टर हुमा बुकाई साहब ने कहा कि ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंडिया को बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है सऊदी अरब और इसलिए उनके करीब हो रहा है, ये एक फैक्टर ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चूंकि मुतासर हुए हैं, कशीदा हुए हैं, तो जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने के लिए भारत मौके से फायदा उठा के आगे आ गया है। आप किस चीज को ज्यादा अहम समझते हैं या दोनों ही चीजें हैं इसमें? मेरा ख्याल खला तो बाद में पैदा हुआ है और वजूहात बताई है मतलब डॉक्टर मोहित साहब ने। तो अब सूरत हाल ये है कि हम जब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उसको हमेशा मिलिट्री एंगल से देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो दुनिया की है वो पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप और बाद में जाकर की बात आती है मिलिट्री रिलेशनशिप की। तो एक तो ये बात है कि वो एक आजाद मुल्क है सऊदी अरब, ठीक है काफी अरसे थे हमारे उनके साथ ताल्लुक चले आ रहे और आइंदा भी रहेंगे, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका आर्मी चीफ का दौरा है तो इसलिए सारा एकदम कोई सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ओवरनाइट जो है ना मामला बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अभी भी अगर कोई फौज किसी और मुल्क की जमीन पर मौजूद है तो वो पाकिस्तानी फौज है, और जैसे पीरजादा साहब कहते हैं अगर आज भी कोई ट्रेनिंग हमारी अकेडमी में हो रही है तो उनके नेवल ऑफिसर्स की, उनके एयरफोर्स ऑफिसर्स की, इवन उनके आर्मी के ऑफिसर्स की वो यहाँ पर हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो है मेरा ख्याल है कि ठीक है चाहे इसको आप कहें जज्बाती बात, तो यहाँ पर वीडियो का होता है दी एंड, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने वीडियो देखा, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से इंडियन आर्मी चीफ के यूएई और सऊदी अरेबिया के दौरे को कवर कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को लेकर काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है उनके, मतलब उनके नज़रिए से, उनके देश के नज़रिए से। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चिंतित है कि किस वजह से मतलब इंडियन आर्मी चीफ वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये बात भी की है कि हम मतलब पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं मतलब यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, जो उनके ओआईसी संगठन को ना मतलब ना मानकर, मतलब उनको थोड़ा सा कमज़ोर दिखाकर इन्होंने एक नया इस्लामी ग्रुप बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा मलेशिया और टर्की, ये तीन देश मिलकर एक कुछ नया तूफानी करना चाह रहे थे, जिसके बाद से ओआईसी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, मतलब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने कर्जे वापस मांगने शुरू कर दिए ब्याज के साथ, और उसके बाद आपने देखा कि
जो पाकिस्तानी थे उनको वहाँ से वापस मतलब भेजना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी डॉक्टर को वहाँ बैन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन चालू हो गए यूएई और सऊदी अरेबिया में, इसके पीछे इमरान खान की खुद गलती है, इसमें भारत का कोई भी हाथ नहीं है। इनको मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना था, टर्की के तैयब एर्दोगान को अपना खलीफा बनाकर, ये सब मतलब आप समझ रहे हैं क्या थी साजिश। और ईरान से भी इनकी ज़्यादा करीबी थी, और सऊदी अरेबिया और ईरान का आपको पता है क्या मामला है पिछले 1400 सालों से, तो वही सब देखा सऊदी अरेबिया ने, और बस इनकी गलतियों की वजह से वो इंडिया के क्लोज़ आ गए। और इंडिया के क्लोज़ आने की वजह ये भी सही है कि इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है, तो डेफिनेटली भारत से अच्छे संबंध चाहेंगे, वो भारत से अच्छे व्यापार, अच्छे रिश्ते, हर चीज़ में अच्छे संबंध चाहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया अपना वो पुराना रीजनल कार्ड खेल रहा है, रिलीजन बेस पर खेल रहा है कि हम दोनों मुस्लिम देश हैं ये और वो, तब भी भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। आप समझ सकते हैं, आपने वीडियो देखा है किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। तो आपको पता है यूएई के साथ और भारत के साथ और सऊदी अरेबिया और भारत के साथ कितने बड़ी बड़ी बिजनेस डील हैं और कितना बड़ा व्यापारिक संबंध है भारत और यूएई और भारत और सऊदी अरेबिया का। तो उसके बाद अब ये पता नहीं, हमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी ये इंडियन आर्मी चीफ की जो ये विज़िट है उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है, आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक।